चैनल को नाम अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, और जो हमारे जकोल गांव के जो विशु में लेके आप पधार चुके हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 15 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और 16 को हमारे पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज जी आए थे, और मेरा गांव जस्ट पार पड़ता है दारा गांव, और उसमें कोई मतलब रोड रोड की सुविधा कुछ भी नहीं है। मैं महोदय जैसे इतना कहना चाहता हूँ, 3-4 किलोमीटर की कुछ कटिंग होनी है, ज़्यादा नहीं है, और यदि आप अपना सपोर्ट रखते हो, यदि हम पे अपना दृष्टि रखते हो, तो आपसे मैं इतनी गुजारिश रखता हूँ, आप ये इस चैनल के माध्यम से और महान तमाम सारे मंत्रीगण ये सीएम जी से मेरी यही अनुरोध है। मेरे ग्राम पंचायत आ रहा है, और इस ग्राम पंचायत में एक रोड की बहुत आवश्यकता है सर। कौन सा गांव है ये? धारा गांव है सर, जकोल से जस्ट 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और सर मैं महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूँ सर, हमने बहुत कागज़ बनाए सर, बहुत मतलब बहुत पहल कर दी सर, और मैं महोदय से इतना कहना चाहता हूँ सर, यदि इस तमाम चैनल के माध्यम से यदि आप देख सकते हो, सुन सकते हो, तो मेरा इतना बोलना सर, मेरे गांव का एक रोड प्लीज़ स्वीकृत करवा दीजिए। और मैं तो इतना ही कहता हूँ, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा नाम दिनेश कुमार है सर, मैं दारा गांव से बिलोंग करता हूँ। और सर बहुत दिक्कत होती है हमारे यहाँ, जैसे गर्भवती महिला होती है सर, और जैसे जकोल है यहाँ तो एम्बुलेंस वो मिल जाती है। मुझे सर यदि ऐसी दिक्कत आती है तो मेरे गांव से कोई भी मतलब दिक्कत डंडी या कंडी की ज़रूरत पड़ती है सर। अभी भी फिलहाल में मतलब प्रधानमंत्री जी या सर मतलब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड पर, और महोदय जी से मेरा इतना अनुरोध है मेरे गांव के लिए कष्ट ना करके,